नमस्कार दोस्तों, दिस इज अवर सेकेंड एपिसोड और सेकेंड लेक्चर एंड एक्सरसाइज 1.2। तो हम सेल्फ थ्योरी की बात कर रहे थे, तो उसमें आगे हम पढ़ के आते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। कलेक्शन कर लेता हूँ मैं, हाँ रेट में ले लिए ताकि सही से इसमें दिखता है। तो हमने फर्स्ट में जो कुछ चीज़ें पढ़ी थी, आप प्लीज़ वो वाला देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया था ड्यूरेशन में वो वीडियो, इसमें हम सुधार करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जो आता है वो बताते हैं कि नल सेट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कि सेट क्या होता है, अगर हमने कोई ए इज इक्वल टू, हमने कुछ मान लिया है, मान लीजिए कि क्या माना मैंने आपको 1 2 3, ये सपोज कर कीजिए कि हमने सेट मान लिया। तो इसमें क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हैं, अगर उसमें एलिमेंट हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन नल सेट कहलाएगा। मतलब इसमें अगर एक कुछ भी एलिमेंट होता है, सपोज कीजिए हमने एक मान लिया बी इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है कि ये एक एलिमेंट रख रहा है ना। जब ये एक एलिमेंट रख रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक नॉन नल सेट है। नल सेट मतलब क्या था कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। ओके, अभी जैसे मान लो कि हमने ये कर दिया बी इज इक्वल टू, ये मान लिया 0, लेकिन अगर हमने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है ना, इसका मतलब कि 0 इज अ एलिमेंट, इज एन एलिमेंट, और वो इस सेट को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब कि ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। तो नल सेट समझ में आ गया कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। हम बात करते हैं अब टॉप इस वन में, क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो अभी ऑड नंबर, ऑड हमने क्या ले लिया, हमने मान लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि p इज इक्वल टू ऑड 1 3 5 2n-1। कैसे हुआ ये पिछले वीडियो में हमने बताया था, 2n-1 हो गया, ऑड का हो गया। अभी हम इसमें देखिए डिविजिबल बाय 2, तो ये ऑड नंबर्स हो गए, अब डिविजिबल बाय 2 वो इसमें आएगा 1, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी कहीं भी जाएंगे नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जो P हमारा सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसमें ब्लैंक होगा। इस वजह से P इज नल सेट मिलना क्या, तो ये नल सेट होगा, ये जो वाल ये कुछ नल कर रहा है, ये नल सेट बनेगा। इसका लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है, अभी हमने ऐसे बताया था कि आप कमेंट करके बताइए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी आप अगर देखेंगे कि इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो जब हम देखेंगे तो 1 प्राइम नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्राइम नंबर्स हो गए। इनमें से कौन कौन सा हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 नहीं हटेगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 2 अगर नहीं हटेगा तो आप सोचिए कि एक हमारा जो सेट बन के आएगा वो 2 इस तरीके से बन के आएगा ना, कहीं कहीं लिखा होता है कि 2 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बट अगर ऐसे देखेंगे तो 2 डिविजिबल बाई 2 है एंड ये इवन भी है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइम नंबर एक सेट हमको मिल जाएगा, तो ये नल सेट नहीं होगा। इसका थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, आप चलिए मैं फोर्थ नंबर आपको बता देता हूँ। फोर्थ नंबर थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। चलिए ठीक है, अभी क्या है कि y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, हमने क्या माना ये n, तो थोड़ा सा पैरेलल नहीं हुई बट ये मानते हैं। अब इसमें हमने क्या कर लिया कि हमने कोई क्या कह रहा है कि इज पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल नंबर। अभी अगर हम इसमें कोई लिख लेते हैं, अगर हम पॉइंट इस लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे हम कोई लेते हैं, तो क्या इस पे इस लाइन पे पॉइंट आए, अगर पैरेलल लाइंस, अगर हम यहाँ पे लेते हैं अगर दोनों लाइन में नहीं आ रहा, अगर हम यहाँ लेते हैं तो नहीं आ रहा, समझिए ना आप। तो ऐसा इस तरीके से कोई पॉइंट बनेगा ही नहीं जो पैरेलल लाइंस के उसमें कॉमन हो। अब वो अलग की बात है जब हम एक्स्ट्रा को दिमाग लगाएं कि एक पैरेलल लाइन ये हो गई, उसी के ऊपर एक पैरेलल लाइन हम और करते हैं, तो अगर पॉइंट करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक चीज़ पूछ रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में कॉमन पॉइंट्स का क्या होगा, तो वो पॉइंट्स ना तो इस लाइन में आएगा, अगर इस लाइन में आएगा तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा तो इसमें नहीं आएगा। इस वजह से देयर इज नो सेट वी गेट वेयर एनी काइंड ऑफ एलिमेंट बी फाउंड।
ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ चलिए, अभी क्या था कि नल सेट तो हमने कर दिया कि ऐसा सेट जिसमें कोई लिमिट नहीं होता। अब यहाँ पर हम आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब देखिए फाइनाइट क्या होता है, जैसे हमने एक सेट मान लिया एस नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। तो अभी हमें पता है कि 12 ही होते हैं, जैन टू दिसंबर, तो ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट। समझ में आ गया होगा आपको फाइनाइट क्या होता है, कि जहाँ पे जो नंबर है वो हम हमें पता चलेगा हाँ ये फाइनाइट नंबर है। तो नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ द डेज, ये क्या है, ये फाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर क्या होता है, द स्टार्स इन द स्काई। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, बट नंबर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है, वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना, बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस तरीके का सेट जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। अभी हम इसमें देखते हैं द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो ये क्या होगा, फाइनाइट। ओके 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, कोई लिमिट है, नहीं लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 100 तक जाएगा, मतलब कहीं यहाँ पर रुक रहा है ना, ये सॉरी फाइनाइट। इसके बाद ये आप कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो टाइम है वो उतना ही रहे, क्योंकि हम एक वीडियो में एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे, वो कितना भी टाइम ले। और हम सोचेंगे जैसे हमारी और आपकी ट्यून मिलेगी ना, तो हमें मतलब आपको समझने में भी और कोशिश करने में भी आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। एंड आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहनत कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना एक कहावत है कि अपने मरने पे ही स्वर्ग मिलता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड एनी सक्सेसफुल पर्सन, कि वो उन्होंने खुद ही मेहनत की है तभी वो आगे बढ़े हैं। पका पकाया खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप दिमाग लगाइए, अगर नहीं आता है तो टीचर क्या करता है, आपको असिस्ट करता है। मतलब जब हम छोटे थे तो छोटे क्या उस दिन पहले ही तो एक कोट मुझे आता था या कहीं पढ़ा था, किसी ने बोला था कि टीचर और मेंटर इज द मैन या इज द पर्सन हु प्रोवाइड अस अ पाथ, और उस पथ पे चलना इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पथ पे चलना। वो तो पाथ दिखा दिया कि यस आपको वहाँ जाना है, तो दिस इज अ रूट टू फॉलो, फॉलो दिस एंड गेट योर वट एवर एम, लक्ष्य जो भी होता है। और उस पथ पे कैसे जाना है, आपको रेंग के जाना है, दौड़ के जाना है, बाइक से जाना है, उड़ के जाना है, सुली सुली जाना है, इट्स अप टू यू आपको कैसे जाना है। तो हम असिस्ट करने के लिए आपके लिए आए हैं, ना कि सब कुछ को। आपको क्वेश्चन नहीं आते आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि ये नहीं आया, आई विल डेफिनेटली इंश्योर कर रहा हूँ आपको कि मैं आपको इसके सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्ञान हो गया, आगे करते हैं क्वेश्चन 3 का। हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखिए ये हमने अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट की बात हो रही है, हमने क्या कर लिया, एक चीज़ और है कि बेसिक तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 10th का बेसिक्स जो था वो आपको अच्छे तरीके से आता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, ये हो गया ना। अब हमने क्या किया कि कह रहा है कि सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब हमने अगर ये कर दी तो ये भी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की, होगी कि नहीं होगी, ये भी हमने कर दी तो पैरेलल होगी, ये भी कर दी तो पैरेलल। अब इसमें हम कितनी इनफिनाइट कर सकते हैं ना, बहुत दूर तक जा सकते हैं, देर इज नो लिमिट। तो कैसा सेट होगा ये, इनफिनाइट हो गया, मतलब समझ में आ गया ना। ओके अभी इसके बाद हम सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो सेट ऑफ लेटर्स कितने लेटर्स हैं, सबको पता है हाउ मेनी लेटर्स। कोई बात नहीं, मुझे लगा कि समवन रिप्लाई नहीं, 26। ओके तो ये फाइनाइट हो गया। ओके इसके बाद इसको कर लेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आप कर लीजिए, मैं टॉपिक आप प्लीज़ अपनी नोटबुक खोल के बैठिएगा, नोटबुक क्या ये अपनी बुक, तो उससे मैथ्स करते रहिए, क्योंकि उसी बुक से मैंने ये इसकी सॉफ्ट लेके और आप लोगों का नाम हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि प्लीज़ आप भी अपनी हिंदी मीडियम की बुक खोल के बैठिए और मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, आई होप इतना समझ में आ जाएगा आपको, और बड़े बच्चे बड़े बड़े लोग हो गए तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अच्छा कुछ चीज़ें और होंगी, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो ए इज इक्वल टू बी, एक चीज़ और होती है ए, यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी को दिखाने की वजह से एक चीज़ और मुझे दिमाग में आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज कर लीजिए सेट ए है, सेट ए में हमने लिख दिया 3 2 1 और सेट बी हमने ले लिया, वो ले लिया 2 1 3 ठीक है, और सेट सी ले लिया हमने जिसमें हो गया 1 2 3 ओके। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें ये नहीं देखते कि इनका सिक्वेंस क्या है, ठीक है। सेट थ्योरी क्या कहती है कि हमें कुछ मतलब नहीं है कि ये क्या है, ये एक एलिमेंट है और हमें हमारा जो अगर कोई भी सेट इक्विवेलेंट होगा या इक्वल टू या बराबर होगा तो उसके एलिमेंट के जो करेक्टर्स हैं ना, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस एलिमेंट से मिलें, मतलब तीन है और ये एलिमेंट है, उनका सिक्वेंस कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, समझ में आ गया ना। मतलब किसी भी सेट का सिक्वेंस कुछ भी हो, बस उस सेट में एलिमेंट सेम हो तो वो ए एंड बी के रूप में फॉर्म में आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए कि कुछ भी हो जाए ये तीनों, यहाँ पर हम बताते हैं कि यहाँ पर ए बी सी ये क्या है, ये तीनों बराबर है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ठीक है। चलिए इन द फॉलोइंग स्टेट हो गया ए इक्वल टू बी, ए के एलिमेंट क्या है, ए ए बी सी डी हो गए, इसका ए बी सी डी ये हो गया, तो इसका मतलब ये बराबर है, दिस इज करेक्ट। इसके बाद बी, इसमें देखिए इसमें क्या 16 है बट इसमें 18 है, तो ये नहीं होगा क्योंकि आप एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट सेम कर दीजिए, उनका सीक्वेंस चेंज कर दीजिए, वी हैव नो इशू, ठीक है, बाकी आप कर लेंगे। चलिए आप कीजिएगा, मैं बाद में करूँ, बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मैं करता हूँ। चलिए एक चीज़ और मैं करता हूँ कि जो जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल होंगे या डिफिकल्ट होंगे उनको डिस्कस करूँगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स सस्पेक्ट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10 20, मल्टीपल ऑफ 10 ही है ना 30, बट यहाँ पे 10 इतना आ गया ना, ये 25 एंड 15 कहाँ से आएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई नहीं है, इस वजह से दिस इज नॉट ए इक्वल टू बी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट सेट्स इक्वल, इक्वल मतलब वही ए एंड बी फॉर्म को जो बन रहा है वो हो रहा है कि नहीं है, ए इज इक्वल टू 2 एंड 3, बी ऐसा हो रहा है इसका, चलिए इसके रूट निकाल लेते हैं, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका सोल्यूशन निकाला हमने क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, हमने कॉमन ले लिया तो x क्या आ जाएगा, x प्लस 3 एंड एक क्या आ जाएगा, x प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए ध्यान ही देना कि माइनस माइनस आ रहा है ना, अभी हमें क्या करना है कि माइनस आ रहा है क्या, प्लस आएगा, माइनस ही आएगा ना, चलिए जब माइनस आ रहा है तो हमें क्या, यहाँ पे 2 एंड 3 आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस 2 एंड माइनस 3 आ रहे हैं, तो हमारा साइन यहाँ मैटर करता है, इसका मतलब है कि ये अगर इसको हम 2 में रखेंगे तो आ जाएगा 4 2 2 4, यस माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके इक्विवेलेंट नहीं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए और एलिमेंट डिस्टिंग्विश करना है हमें, ये नहीं कि माइनस होगा तो प्लस, ऐसा कुछ नहीं, अगर अब माइनस हो रहा है इसमें माइनस नहीं है तो मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं है, इसका भी और इसमें आप देख लीजिए प्लीज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फ्रॉम दिस सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स करना है, तो इक्वल सेट्स में क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ये, ओके इसके इक्विवेलेंट कौन है, इसके इक्विवेलेंट क्या है, फ्रॉम दिस सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, अच्छा हमें सेलेक्ट करना कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं कौन कौन से नहीं, तो एक तो देखो ये जी जो है वो ई से है, आ गया होगा जी और ई से, ये रीजनिंग दे रखी है नहीं। इसके बाद जो डी है 1 2 3 4 है, ये ब्रेवो बी से हो जाएगा, ठीक है ओके। एंड ए एंड ए और कोई नहीं मैच करेगा क्योंकि इसमें 14, सी में 14 आ रहा है एंड ए में 12 है, इतना तो ये हमारे मैच कर गए। चलो आई होप इस क्लास में हमने कुछ सीखा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबसेट्स क्या होते हैं एंड इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज होगी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना होगा, हाँ इतना ही है, वो भी 15 to 20 मिनट्स में हो जाएगी, तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।